गोकुलधाम सोसाइटी की बाहरी दीवारों का प्लास्टर खराब हो चुका है, तो जल्द से जल्द प्लास्टरिंग करवाना जरूरी है। आप बता सकते हैं अंदाज से इन सब में कितना खर्चा आएगा? अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख। आप लोगों को फालतू पैसा उड़ाने का शौक है ना, तो आराम से उड़ाइए। मैं अपनी बालकनी का काम खुद करवा लूंगा, और मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े तुम्हें तो मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, केस करूंगा तुम्हारे ऊपर। अरे सोसाइटी के पैसे तुम फालतू खर्च कर रहे हो, इसलिए तुम पर केस करूंगा। टप्पू के पापा क्या हुआ? क्या आप मीटिंग में गए तब छोले भटूरे के भटूरे जैसे लग रहे थे, लेकिन अभी वापस आए तो छोले जैसे क्यों लग रहे हैं? हाँ क्या हुआ जेठिया, मीटिंग में किसी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं झगड़ा तो नहीं हुआ, पर क्या किसी के साथ जीभा जोड़ी थी? एक ही सोसाइटी में रहना और क्या सबसे तू मैं करना? हाँ तो बाबूचा कहीं का? अरे मैंने किसी के साथ कोई जीभा जोड़ी नहीं की है बापूजी। तो वो कैंसर लाल ने की पोपट लाल। ले पोपट भाई ने क्या किया? अरे उसकी शादी नहीं हुई है ना, तो बावरा हो गया है वो, मगर ठिकाना नहीं है अक्कल मठो। अरे भाई सीधा सीधा बोलना, क्या किया क्या पोपट ने? अरे बापूजी क्या हुआ? कैंसल कैंसल कैंसल। भिड़े तुम बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ एक ललिता गोडबोले की रिपोर्ट पर सोसाइटी में लाखों रुपए का काम करवाने के लिए तैयार हो गए? भिड़े सोसाइटी में सेक्रेटरी कैसे काम करता है ये मालूम है तुम्हें? सब जानता हूँ भिड़े, सब जानता हूँ। ये ललिता गोडबोले मैडम तुम्हारे गाँव की है ना? पोपटला तुम ये कहना चाहते हो कि इस काम के पीछे मैं कमीशन खाना चाहता हूँ? पोपटला तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। बोलो अभी परसों आधी रात को सबको नींद में से जगा जगा के कंपाउंड में नीचे बुला बुला के चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा था कि नहीं सोसाइटी रिपेयर करवाओ, सोसाइटी रिपेयर करवाओ, सोसाइटी रिपेयर करवाओ, और अभी बोल रहा है कैंसल कैंसल कैंसल। समझ में नहीं आ रहा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पोपटिया घर में आ सकता हूँ? अरे चाचा जी आप आइए आइए, आप तो हवा जैसे हैं। अरे मेरा मतलब है आप मेरे घर पर कभी भी आ सकते हैं। आइए आइए बैठिए बैठिए। सॉरी हाँ वो क्या है घर पर अकेला रहता हूँ ना, तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। शादी नहीं हुई ना अभी तक? अरे होगी होगी, तेरी भी शादी होगी। आपके मुंह में घी शक्कर। मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहे, खुश रहे। मुझे खुश रहने के लिए कह रहा है और सोसाइटी वालों को दुखी कर रहा है? मतलब? अरे क्या मतलब, मुझे एक बात बता, तू नहीं चाहता कि तेरी गैलरी का प्लास्टर ठीक हो जाए? चाहता हूँ ना। तू नहीं चाहता कि पूरी सोसाइटी की बाहरी दीवारों पर प्लास्टर हो जाए, बिल्डिंग मजबूत हो जाए? ये भी चाहता हूँ। अरे तो भाई हवन में पत्थर क्यों डाल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? चाचा जी सोसाइटी में हर काम एक पद्धति से होना चाहिए, एक सिस्टम से होना चाहिए, मेरा मतलब है स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। हाँ तो गोकुलधाम में हर काम पद्धति से ही तो होता आ रहा है। समझ गया, सबने आपको वकील बनाकर मेरे पास भेजा है। ये बात मत बदल डिब्बे। पैसे? पैसों का प्रॉब्लम है। बोल। हाँ। चाचा जी मैं ठहरा एक आम ईमानदार पत्रकार, एक साथ 40-50 हजार रुपए कहां से निकालूं? और चाचा जी बस मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। मीटिंग में क्या हुआ वो जेठा ने मुझे सब बताया, तभी मुझे लगा कि तेरा प्रॉब्लम कुछ और है, क्योंकि तेरी गैलरी का तो प्लास्टर गिरा है, तू क्यों इस काम में बाधा डालेगा? ये ले। ये क्या है? इसमें 30,000 रुपए हैं।
नहीं 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 चाचा जी, ये मैं नहीं रख सकता। रख। अब कुछ मत बोलना, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी, क्योंकि अब तो मैं भी भूल गया हूँ कि मैंने तुझे पैसे दिए। शांति से सो जा। चाचा जी। चाचा जी, आपने आज सिर्फ पैसों की नहीं, आपके प्यार ने मेरे पिताजी की कमी पूरी कर दी। चल चल लिबे, कहा ना तुझे कुछ याद मत रख। सो जा, मैं चलता हूँ। माझं मधुबालावर प्रेम होतं। काय? मॅगझिन मध्ये लिहिलंय माधवी, आम्ही लग्नही करणार होतो। पोपट लाल का फोन, ये मीटिंग में झगड़ा करके इसका पेट नहीं भरा लगता है। अब ये फोन पे सर खाएगा मेरा, मुझ पर इल्जाम लगाता है। मुझे बात ही नहीं करनी, बजे दो फोन को। ओ, क्या करता है? बोला ना, ऐसे किसी को टालना अच्छी बात नहीं है। बोला ना, डोका खाना तो मानू सका नहीं हो क्या है? हेलो भिड़े भाई, सोसाइटी का काम कब से शुरू करवा रहे हो? कौन बोल रहा है? अरे क्या कौन बोल रहा है, तुम्हारा दोस्त पत्रकार पोपटलाल। नहीं नहीं नहीं, हमारा पत्रकार पोपटलाल इतनी मीठी जुबान में बात नहीं करता भाई। वो तो चिल्ला चिल्ला कर बात करता है, सोसाइटी के सेक्रेटरी पर आरोप लगाता है कि वो कमीशन खाता है, कोर्ट में जाने की बात करता है। देखो देखो भिड़े, ये इल्जाम तुमने खुद अपने ऊपर लगाया था है? फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ बस। नहीं नहीं भाई, तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, तुम्हारा आगे जाके कोई भरोसा नहीं है। अभी वो सही बोल रहे, तो मान जाइए ना, भूल जाइए सब। पोपटलाल, तुम एक जिम्मेदार कमेटी मेंबर होने के बावजूद भी कैंसल कैंसल बोलकर लड़ गए, हंगामा खड़ा कर दिया मीटिंग में। अब मुझे बताओ कि सोसाइटी का काम कैसे शुरू कर सकते हैं? अरे भाई भिड़े, तुम मजाक भी नहीं समझते। हबो पलटी मार तुम। ए चल चल, वो मजाक नहीं था, अभी पलटी मत मार। तुम सच में नट गए थे पोपटलाल। देखो पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी बात? अरे अभी अभी हुआ ना, पुरानी बात कैसी? मेरा मतलब है जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी से सोसाइटी के काम के लिए टेंडर मंगवाओ, और जितना खर्चा होगा मुझे बताना, मैं देने को तैयार हूँ। पूरी सोसाइटी का खर्चा दोगे? क्या लॉटरी वोटी लग गई क्या? मतलब मेरे हिस्से का जो खर्चा है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ भाई, हमारी सोसाइटी की मजबूती का सवाल है। भिड़े सोच क्या रहे हो, टेंडर मंगवाओ। नहीं नहीं, मैं टेंडर मंगवा लूंगा पोपटला, लेकिन आज के आज नहीं है, इस काम के लिए 2-3 दिन लगेंगे। हाँ तो बाद में तुम चिल्लाना मत कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। नहीं 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 भाई भिड़े, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ओहो अचानक, तुम अपना काम शुरू करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है ठीक है, बाय। वाह, 2-4 दिन क्यों? मैं ही तूफान एक्सप्रेस में ऐड दे देता हूँ, कल ही आ जाएगा कि भाई गोकुलधाम सोसाइटी में प्लास्टर और कलर के काम के लिए कोटेशन भेजे। मैटर अभी के अभी भेज देता हूँ। सो जाइए अभी। माधवी, या पोपटलाल से क्या कळतच नाही का? कभी चोच मारता है, कभी मीठी मीठी बातें बोलता है। सुन दे ना, वो मान गए, यही बड़ी बात है। झूठा था। का सभी को टेंडर के लिए बोलता हूँ, तरी माझे मधुबालावर से प्रेम कधीच कमी होणार नाही। अरे देवा, भिड़े भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, एक काम था तुमसे, सोसाइटी में सबको पेड़े खिलाने, ये लो। क्या भिड़े भाई, 50 रुपए में शक्कर नहीं आती है, पेड़े कहाँ से आएंगे? अब्दुल दे रहा हूँ पैसे, इस जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। 100 मिनट रुको। वो 50 और ये 450, कितने हुए टोटल? हाँ 500 हो गए। अब आएंगे पेड़े? हाँ आ जाएंगे भिड़े भाई।
बड़े भाई, ये अचानक पेड़े, कोई खुशखबरी है क्या? खुशखबरी? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है। पत्रकार पोपटलाल को जानते हो ना, कितना टेंशन दिया था सोसाइटी के रिपेयरिंग काम को लेकर। तो पत्रकार पोपटलाल जी अभी मान गए। सबको पेड़े बांटकर बोल दो कि अभी सोसाइटी का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। ओके ओके, मैं जानता हूं। हां बड़े भाई, हां ये जो 500 रुपए आपने दिए हैं, ये रिपेयरिंग फंड में कम तो नहीं पड़ जाएंगे ना? लीजिए खाखरा। चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते। अरे आओ अब्दुल। गेड़ा भाई नमस्ते। चाचा जी पेड़े लीजिए। क्या बात है अब्दुल, बेटा हुआ तुझे, मुबारक हो भाई। जेठा भाई क्या मजाक कर रहे, मेरी तब तक शादी भी नहीं हुई, बेटा कहाँ से होगा, वो तो पोपट भाई। पोपटलाल को बेटा हुआ? अभी तुम मजाक कर रहे हो भाई, पोपटलाल को भी बेटा कहाँ से हो सकता है, उसकी भी शादी कहाँ हुई है। जेठा भाई मुझे पूरा बोले तो दो, पोपट भाई रेडी हो गए सोसाइटी की रिपेयरिंग के लिए और उसी खुशी में भीड़े पाए पेड़े बांट रहे हैं। चाचा जी पेड़ लीजिए। क्या बात कर रहा है अब्दुल, पोपटलाल मान गया, वो नोड़ू का दिमाग की रिपेयरिंग की किसने? रब जेठा तू आम खाना भाई, पेड़ क्यों गिन रहा है, कैसे माना, क्यों माना, किसने मनाया, ये सब जान के तू क्या करेगा? बापू जी ये पोपटलाल सूखी हुई रिफिल जैसा है, जब तक सूखी हुई रिफिल को ऐसे झटको नहीं तो बराबर चलती नहीं है ना, उसी तरह ये पोपटलाल को झटको नहीं ना तब तक वो ठीक तरह से चलता नहीं है, जरूर किसी ने उसको झटका है। चलने छोड़ने अवे। हे अब्दुल ये जेठिया के मुंह में पेड़ा डाल ताकि उसका मुंह बंद हो। भाभी हाँ जी जी हाँ, आपका ईमेल आईडी क्या है? हाँ हाँ अच्छा ओके ओके, हाँ मैं आपको डिटेल्स सब मेल कर दूंगा। हाँ ओके ओके। हेलो हाँ जी, मैं आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सोसाइटी का सेक्रेटरी बोलिए। एक मिनट एक मिनट। अरे माधवी, नहीं नहीं आपको, अच्छा आपका नाम माधव है? हाँ ओके ओके, नहीं नहीं आपको नहीं बुलाया, एक मिनट होल्ड करना। हेलो हाँ जी मैं, हाँ सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हाँ बोलिए। हाँ हाँ वो ऐड, हाँ हाँ वो मालूम है उस ऐड के बारे में, लेकिन उसमें आधी इन्फॉर्मेशन है। जी जी हाँ, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए। हाँ नहीं नहीं एक ही, दोनों एक साथ मत बोलिए, आप जरा होल्ड कीजिए। हाँ आप अपना ईमेल आईडी दीजिए मुझे। हाँ 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 मैं आपको सारी डिटेल्स मेल कर दूंगा, फिर आप अपना कोटेशन भेज दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ओके। हाँ 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 जल्द से जल्द भेज दूंगा। हाँ ओके थैंक यू। काय चल रहे है? हाँ सगे तो पोपटा सा गाढ़ो पड़ा है माधवी है? एक तो बिना मुझसे पूछे उसने तूफान एसएस में ऐड दे दी, और वो भी आधी इन्फॉर्मेशन के साथ। अरे फोन अटेंड करके मैं परेशान हो गया हूँ। ये पोपट भौजी भी ना पहले रेस में हिस्सा नहीं ले रहे थे और अभी सबसे आगे दौड़ रहे हैं। मग कठिने। गुड मॉर्निंग भिड़े। थिंक ऑफ द 100 साल जिएंगे। थैंक यू। हाँ भाई भिड़े, आज मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा काम किया है कि तुम खुशी से पागल हो जाओगे। ये देखो। अरे भाई खुशी से नहीं, लेकिन इसके वजह से मैं पागल हो गया हूँ, फोन लेते लेते तुम्हारी इस ऐड की वजह से। अरे भाई मुझसे बिना पूछे तुमने तूफान एक्सेस में ऐड क्यों दी? लो कर लो बात। भाई मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया तो तुम मेरी तारीफ करोगे, थैंक यू बोलोगे, लेकिन इसके बदले ये मुझे डांट रहा है। भाई भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अच्छा बाबा ऐड देने के लिए थैंक यू, ऐसे बोलते हैं थैंक यू? मैं ऐसा ही बोलता हूँ थैंक यू, लेकिन मुझसे पूछा क्यों नहीं? भाई मैं पूछता तो तुम ना बोलते। नहीं गलत, मैं तुम्हें सिखा था कि ऐड कैसे देते हैं। अब तुम मुझे सिखाओगे कि अखबार में ऐड कैसे देते हैं? सिखा था मतलब मैं तुम्हें बताता कि ऐड क्या देनी है, तुमने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया, अरे इसके बदले मेरा ईमेल आईडी देते,
अरे मैंने खास अपना एक नया ईमेल आईडी बनाया है, ekamevasecretary@gokuldham.com। वाह वाह क्या बात है। तो भाई कल के तूफान एक्सप्रेस में एक और ऐड दे देंगे भाई, घर का अखबार है अब। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ जी मैं आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। अरे वाह। अरे वाह क्या, अरे वाह उठाओ। हेलो नहीं 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 सेक्रेटरी नहीं, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का माननीय कमिटी मेंबर बोल रहा हूँ, श्री पत्रकार पोपटलाल। भाई भिड़े बिजी हो गया तुम सुबह से है? हाँ आप ही की मेहरबानी है ना। भाई भिड़े अभी अखबार में तो ये बात आ गई है, सबको पता चल गई है, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में सबके यहाँ पे तूफान एक्सप्रेस नहीं आता है, तो हमें ये बात नीचे नोटिस बोर्ड पर लिख देनी चाहिए। खुश खबर, सोसाइटी रिपेयरिंग को लेकर पत्रकार पोपटलाल जी की नाराजगी दूर हो गई है, इसलिए अब रिपेयरिंग का काम जल्द शुरू होगा। इस बात के पेड़ आपको मिल गए होंगे, तो सभी को सूचित किया जाता है कि आपकी जान पहचान में कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो उससे टेंडर मंगवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें ekamevasecretary@gokuldham.com। 5 दिन बाद संडे को सुबह 9 बजे टेंडर खुलेगा। आत्माराम तुकाराम भिड़े, ठीक है? एक मिनट भिड़े जरा यहाँ आना। हाँ बराबर है। वैसे पोपटलाल तुम्हारे हस्ताक्षर कमाल के हैं। थैंक यू। तुम्हारी तरह टेढ़े नहीं, अच्छा है, अच्छा है। ओए पापा जी। नहीं मस्त है। हाँ एक मैं सेक्रेटरी साहब, आज आपका क्या है सुविचार? पढ़ो पढ़ो छोड़ी। और पढ़ो, और तू शिक्षक आदो क्या हुआ, स्कूल कॉलेज में हमने भी पढ़ा, अभी पढ़ लेते हैं। खुशखबर, हमारी माधवी बाबी के बने हुए अचार और पापड़ और पिड़े साहब दे रहे हैं पूरे 20% डिस्काउंट पे। बल्ले 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 बल्ले। क्या स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ा था? हाँ ये लिखा है मैंने। सूढ़ी मैंने क्या लिखा है, तुम क्या पढ़ रहे हो भाई? ओ पढ़ा यार पढ़ा, ओ कमाल है पप्पू, पल में तू रूट जाता है, पल में तू मान जाता है, एकदम नए नवेले दुल्हे की तरह। अरे भाई सोड़ी, पहले इस जीवन में दूल्हा बनने तो दे। ओ बनेगा जरूर राम जी की कृपा से, निश्चय रख। अरे लेकिन पोपटलाल तुमको कन्विंस होना ही था, तो फिर कल रात को मीटिंग में वो कैंडला करने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अय्यर भाई पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाइए। रात गई बात गई। देखिए मैंने तूफान एक्सप्रेस में हमारी सोसाइटी के रिपेयरिंग के काम के लिए ऐड भी दे दिया है। ये देखिए। और दिखाओ भाई दिखाओ। क्या बात है। और अपने पास संडे तक टाइम है, संडे को टेंडर फाइनल होगा। हा? अच्छा चलो अय्यर साहब चेन्नई के शहर, आपको गैराज छोड़ देता हूँ। गैराज क्यों? थोड़ी तू मेरे को ऑफिस छोड़। ओ पर मैं तो गैराज जा रहा हूँ ना। अरे पर मेरे को ऑफिस जाना है। मजाक कर रहा हूँ यार, चल चल तेरे को ऑफिस छोड़ के गैराज चला जाऊंगा। चंगा यार। ओ सोड़ी भाई पेपर तो दे। ओ हाँ फाड़। फाड़ू क्यों भाई? ओ पप्पू और तेरी पंजाबी लड़की से फर्स्ट क्लास शादी करा दूंगा, पंजाबी सीख ले। फाड़ मतलब पकड़। ओ अच्छा अच्छा भाई थैंक यू। चलो हाजी हाजी गुड डे गुड डे। भिड़े अच्छा लिखते हो तुम। हाँ
दोस्तों कहा जाता है कि इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद इस तरह से करनी चाहिए कि अगर दाएं हाथ से मदद करें तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। कोई आपसे मदद मांगे और आप उसकी मदद कर दें तो ये तो इंसानियत है, लेकिन बिना मांगे अगर आप किसी की मदद कर दें तो ये ईश्वरीय गुण है। और इसका एक उदाहरण चंपक चाचा ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आप भी जीवन में ऐसा ही कीजिए, बिना मांगे लोगों की मदद कीजिए तो ईश्वर आपके हमेशा साथ है। अब गोकुल धाम सोसाइटी की बात करते हैं साहब। यहाँ पे इस वक्त ये तो तय हो चुका है कि रिपेयरिंग होगी, लेकिन रिपेयरिंग की मंजिल किस तरह से तय होगी ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर आप पहाड़ी के रास्ते से मंजिल पे पहुंचना चाहे तो बहुत सारे मोड़, बहुत सारी बाधाएं आती है, और गोकुल धाम तो आप जानते हैं। अब अगर रिपेयरिंग करनी है तो बहुत सारी चीजें होंगी, टेंडर आएंगे, लेकिन कितने टेंडर आएंगे, कितने लोगों के आएंगे, किस किस के आएंगे, कई सारे सवाल हैं। और जैसे पूरे देश में इस वक्त एफडीआई रिटेल पे हम लोग एक मत नहीं हो पा रहे, ठीक उसी तरह से गोकुल धाम में भी हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई अलग जरूर होता है, एक मत कभी नहीं होते। जैसे कि उत्तरी ध्रुव पे हमेशा बर्फ जमी रहती है 12 महीने, ठीक वैसे यहाँ 12 महीने हंगामे रहते हैं और आपके घर में 12 ही महीने ठहाके। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।